ऑल राइट गाइस, तो फाइनली रोमन रेंस ने एक्सेप्ट कर लिया है जे उसो को दोबारा से ब्लड लाइन में रखने के लिए, एंड उन्होंने तो एक्नॉलेज भी कर लिया है जे उसो को। एंड वहीं पे आज हमें केविन ओवेंस की पूरी सच्चाई देखने को मिल गई। इसके अलावा गुंथन ने कोडी रोड्स को नॉकआउट कर दिया, एंड वहीं पे कब रॉक रिटर्न करने वाले एंड ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले हैं सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्मैकडाउन की स्टार्टिंग नाया जैक्स करती है। वो जैसे ही रिंग में आती है तो वो कहती है जो भी उनको ये होता है वो अचीव कर लेती हैं, एंड करंट टाइम में उन्हें क्राउन ज्वेल का टाइटल चाहिए तो वो भी वो विन कर लेंगी। तभी वहां पे लिव मॉर्गन की एंट्री हो जाती है। वो जैसे ही रिंग में आती है तो वो आखिर डॉमडॉम की तारीफ करती है। वो कहती है कि जो भी वो अचीव कर रही है वो डॉमडॉम की वजह से ही अचीव कर रही है। फिर इसके बाद तभी वहां पे टिफनी की भी एंट्री होती हुई दिखती है। वो जैसे ही रिंग में आती है तो वो कहती है कि नाया जैक्स, मैं मनी इन द बैंक तुम्हारे ऊपर भी कैश इन कर सकती हूँ, और लिव मॉर्गन तुम्हारे ऊपर भी कैश इन कर सकती हूँ। फिर वो एक ऐसी बात बोलती है जिससे लिव मॉर्गन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कि जब मैं तुम्हारे ऊपर कैश इन करूंगी तो डॉम डॉम मेरे को देना पड़ेगा तुम्हें। फिर इसके बाद लिव मॉर्गन अटैक करने लगती है टिफनी के ऊपर। फिर इनका ऑफिशियली मैच स्टार्ट हो जाता है, एंड वहां पे बहुत ही इजी मैच था। वहां पे लिव मॉर्गन जो होती है इजीली हरा देती है टिफनी को। इसके बाद नाया जैक्स वहां पे रिंग साइड पे बैठी रहती है। वहां पे देखा नहीं जाता लिव मॉर्गन के विन, तो वो आके ब्रीफ केस से दोनों को पीट डालती है। एंड फिर उसके बाद कुछ इस तरह स्टार्टिंग होती है स्मैकडाउन की। एंड फिर उसके बाद केविन ओवेंस का डिसेंट चेहरा हमें देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि मैं 7 दिनों से रैंडी ऑर्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं पर रैंडी ऑर्टन अपना फोन नहीं उठा रहा है। रैंडी ऑर्टन, तुम इस मैच को मना कर दो रेसल करने के लिए, मेरे को नहीं करना है ये मैच। पर दोस्तों, आगे चल के पता चलता है कि ये केविन ओवेंस की जाल है रैंडी ऑर्टन के लिए। एंड फिर शो में आगे प्रीति डेली वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच होता है, जो कि एक टैग टीम मैच होता है जहां पे ये स्ट्रीट प्रॉफिट आसानी से विन कर जाते हैं। पता नहीं WWE ने क्यों ये मैच को रखा था, इसलिए मेरे को ये मैच का अपडेट कवर अप करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद हमें बैक स्टेज नाया जैक्स एंड टिफनी का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे नाया जैक्स पूछती है टिफनी से, क्या तुम सही में मेरे ऊपर कैश इन करने वाली हो? फिर टिफनी कहती है कि मैंने इसलिए कहा था ताकि उनको ना लगे कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और घबराओ मत, मैं तुम्हारे ऊपर कैश इन नहीं करने वाली हूँ। तभी वहाँ पे बैली एंड नियोमी आती है। वो बोलती है कि टिफनी, वाह तुम कितना अच्छा झूठ बोल लेती हो। फिर वहाँ पे ये दोनों चली जाती है। फिर इसके बाद शो के ऊपर रोमन रेंस, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ एंड जिमी उसो की एंट्री होती है। वो जैसे ही रिंग में आते हैं तो जिमी उसो इंट्रोड्यूस करते हैं रोमन रेंस को। फिर इसके बाद जिमी उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं रोमन रेंस को। वो कहते हैं कि ट्राइबल चीफ तुम्हारे सिटी के अंदर आ चुका है, उनको एक्नॉलेज करो। फिर इसके बाद वो रोमन रेंस से कहते हैं कि देखो, हमें फिर से फैमिली बनाना पड़ेगा, एंड इसके लिए जे उसो को दोबारा से वापस हमें ज्वाइन कराना पड़ेगा। एंड सोलो शिकोवा हमारा भाई था, बट उसने ब्रिटेट किया रोमन रेंस को, तुम्हें भी, मेरे को भी, एंड पॉल हैमन को भी। तो अगर सोलो शिकोवा को हराना है तो जे उसो को दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। फिर इसके बाद माइक मांगते हैं रोमन रेंस जिमी उसो से। तभी वहां पे जे उसो की एंट्री हो जाती है। वो जैसे ही रिंग में आते हैं तो बोलते ही जाते हैं, रोमन रेंस को मौका ही नहीं देते हैं बोलने के लिए। वो कहते हैं कि देख रोमन, तेरे और मेरे बीच में कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, सोलो शिकोवा की वजह से मेरा टाइटल जा चुका है, इसलिए यह मैच मैं रेसल करने के लिए तैयार हूँ। और रही तुम्हारी और मेरी बात, तो मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पे काम करूंगा कि कोई भी तुम्हारा रूल नहीं होगा। जिस तरह तुम पहले हमें नीचा दिखाते थे, तुम हमें डाउन करते थे, तुम हमें प्रिजनर समझते थे, गुलाम समझते थे, अब करंट टाइम में तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझोगे। जिस तरह से तुम पहले हमें ऑर्डर दिया करते थे, अब कोई भी मेरे को ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और करंट टाइम में तुम्हारी पोजीशन ना ही बहुत ज्यादा ऊपर है और ना ही ज्यादा मेरे से कम है। उसके बाद रोमन रेंस माइक लेते हैं और एक ही वर्ड बोलते हैं, ईट। एंड फिर वहां पे बहुत ज्यादा ऑडियंस चेयर अप कर रही थी रोमन रेंस के लिए। एंड दोस्तों, फाइनली जे उसो को एक्सेप्ट कर लिया है रोमन रेंस ने, एंड उनको एक्नॉलेज भी कर लिया है, तो बहुत देख के अच्छा लगा मेरे को। एंड फिर इसके बाद शो के ऊपर एक फैटल फोर मैच होता है वुमेन्स का, जिसके अंदर वो काफी ठीक ठाक मैच था, जिसके अंदर वो जापान की लड़कियां जीत जाती हैं। फिर उसके बाद हमें शो के आगे बैक स्टेज सोलो शिकोवा एंड उनकी पूरी टीम का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। फिर सोलो शिकोवा कहते हैं कि मैंने ब्लड लाइन को इसलिए बनाया क्योंकि मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करना चाहता था, तुम मेरे बारे में कभी सोचते ही नहीं थे, इसलिए मेरे को अपने बारे में सोचना पड़ा, इसलिए मैंने ये ब्लड लाइन बनाया और इस ब्लड लाइन से मैं तुमको हराने वाला हूँ। फिर बैक स्टेज हमें रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन, तुम केविन ओवेंस को संभाल लेना। तभी मेरे को पता चल गया था कि केविन ओवेंस इंटरफेयर करने वाले हैं इस मैच के अंदर। फिर इसके बाद शो के ऊपर हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, द वाइपर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर एंड काइजर के बीच में। एंड दोस्तों, ये मैच ठीक ठाक था, बट यहाँ पे रैंडी ऑर्टन अपना आरकेओ नहीं लगा पाए, एंड वहीं पे कोडी रोड्स ने वहां पे लुडविन काइजर को पिन करके इस मैच को अपने नाम कर लिया, और रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं। फिर इसके बाद रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस जैसे ही सेलिब्रेट करते हैं तो पीछे से आके केविन ओवेंस स्टील चेयर से रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं, एंड गुंथर वहीं पे अपना लॉक लगा देते हैं कोडी रोड्स को, जिससे कोडी रोड्स का
बेहाल हो जाते हैं। ये सिचुएशन इतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है कि वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी को भी आना पड़ता है छुड़ाने के लिए इन लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।